इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है और अब इसराइल फिलिस्तीन के राफा में लगातार हमले कर रहा है। इन्हीं हमलों के बीच अब संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की मौत भी होने लगी है और ये कर्मचारी एक भारतीय कर्मचारी था। जानकारी के मुताबिक राफा में हुए इसराइली हमले में उसकी जान चली गई है। गाजा में बीते 7 महीने से चल रही जंग के दौरान ये पहले भारतीय और यूएन के अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ की मौत है। दरअसल राफा में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हुए हमले में भारतीय कर्मचारी की मौत हुई है। एजेंसी के मुताबिक ये कर्मचारी इंडियन आर्मी का पूर्व जवान था जो यूएन के लिए काम कर रहा था और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टाफ यानी कि डीएसएस का सदस्य था। हालांकि अभी तक भारतीय सेना के पूर्व जवान की पहचान नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस पर दुख जताया है। यूएन ने कहा कि गाजा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें सिर्फ नागरिक ही नहीं शामिल है बल्कि वो लोग भी हैं जो मानवता के नाते सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं और ऐसी स्थिति में गाजा में युद्ध विराम और बंधकों को मुक्त कराना बेहद जरूरी है। गुटेरेस ने यह भी बताया कि यूएन के 190 से ज्यादा कर्मचारी गाजा में मारे गए हैं। ऐसे में मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए और इसके साथ साथ उनके ट्विटर पोस्ट के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर सभी हमलों की निंदा करता हूँ और तत्काल की अपील को दोहराता हूँ। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया, हम संबंधित सरकारों और संबंधित परिवार के सदस्यों को सूचित करने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए कोई नाम या राष्ट्रीयता साझा नहीं की जाएगी। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब फरहान हक से ये पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हमला कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के वो कर्मचारी राफा के यूरोपियन अस्पताल जा रहे थे ताकि वो सुरक्षा से जुड़े नियमों का जायजा ले सकें, लेकिन इसी दौरान गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें एक भारतीय के साथ एक और शख्स की भी मौत हो गई। हक ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र जवाबदेही के लिए उपाय स्थापित करने जा रहा है और इसमें सबसे अहम यही होगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म किया जाए ताकि हम इन पर काम कर सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो मारे गए सभी लोगों के मुआवजे के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि यूएन की तरफ से ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये गाड़ी काफिले के साथ अस्पताल जा रही थी। हालांकि हक ने ये जरूर कहा है कि उन्हें लगता है कि ये गाड़ी काफिले के साथ थी और तब इस पर हमला हुआ था। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्रियसस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र के एक मानवीय कार्यकर्ता की मौत और एक अन्य के घायल होने के बारे में जानकर हम बहुत दुखी हैं। इस युद्ध की कीमत बहुत सारे नागरिकों और मानवीय जीवनों ने चुकाई है। युद्ध विराम करें और शांति की दिशा में काम करें, WHO प्रमुख ने ये कहा। अप्रैल में गाजा में IDF हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के भी 7 सदस्य मारे गए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमले में मारे गए लोगों में से एक जोमी फ्रैंकॉम था जो भारतीय मूल का था। खैर, इसराइल और हमास के बीच ये जंग भयावह रूप लेती नजर आ रही है और इस जंग को छिड़े 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और डेटा ये कहता है कि बीते वक्त में गाजा में 35,000 मौतें भी हो चुकी हैं। दोनों के बीच सुलह समझौता कराने में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं और ऐसे में ये जरूरी होगा कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 Digital पर।